ग्यारह का इम्तिहान आपके स्कूल में हो गया है? नहीं नहीं, तब तो सब इम्तिहान का तो होगा ना, सब पास हो जाएंगे लोग। नहीं तो स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग के लेसन में ये लास्ट हेडिंग है, अनुनाद नली द्वारा ध्वन की चाल हम कैसे निकालेंगे आज ये बताना है। पहले तो देखेंगे कि अनुनाद नली रेजोनेंस ट्यूब है क्या, और इस पर एक प्रयोग भी है, प्रयोग द्वारा भी ज्ञात होता है, कैसे प्रयोग करें वो भी बताया जाता है, और इसी में अंत्य संशोधन अनुनाद नली द्वारा निकाल कर रेजुलेशन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें का लगाना होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब देखो कि अनुनाद नली वास्तव में क्या है, तो इसमें हम बता रहे हैं, इसमें एक धातु की बनी खोखली समान व्यास वाली एक नली होती है जो ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर मीटर पैमाने द्वारा लगी होती है। इसमें धातु की बनी एक समान व्यास की ऊर्ध्वाधर खोखला पाइप होता है जो मीटर पैमाने द्वारा ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर लगा होता है। उस पाइप के निचले सिरे पर रबर की नली लगी होती है, एक पारदर्शी नली होती है जिसमें जल के लेवल को पढ़ा जाता है कितने पर, और एक अपारदर्शी नली होती है जिसमें एक बीकर लगा होता है। तो अपारदर्शी नली जो बीकर लगा होता है उसको पकड़कर जब नीचे ऊपर करते हैं तो जल का लेवल पाइप में ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे एक स्वरित्र द्विभुज भी होता है, उसको बजाकर जब रखेंगे तो अब ध्यान देना, अभी हम बता रहे हैं कि इसमें एक समान व्यास वाला एक खोखला पाइप होता है, बेलन के आकार का होता है, जिसके निचले सिरे में एक रबर की नली लगी होती है, और रबर की नली, ये जो निचले सिरे पर जो रबर की नली लगी है इसको मीटर पैमाने के द्वारा एक बीकर ऊपर लगा होता है, और इसी से एक पारदर्शी नली भी यहाँ लगी होती है, पारदर्शी नली जिसमें जल भरा रहता है। अब ये देखते हैं पारदर्शी जो नली होती है इसमें जल, तो ये पारदर्शी नली मीटर पैमाने द्वारा, यहाँ एक मीटर पैमाना भी होता है, मीटर पैमाने द्वारा ये लगा होता है। मीटर पैमाने में जो संकेतक होता है जीरो से प्रारंभ करके होता है, इस तरह से मीटर पैमाना होता है, मीटर पैमाना। और ये तो ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर ये लगा होता है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर ये नली लगी होती है, जो खोखला ये बेलनाकार पाइप होता है ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर ही लगा होता है। और ये अब इसमें देखेंगे, इधर ये जो ये नली है ये पारदर्शी नली होती है, इसमें ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर एक बीकर लगा होता है, और इस बीकर को भी यहाँ कसा गया होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें जल भरेंगे, तो ये खोखला पाइप है इसमें जल पूरा का पूरा जल भरेंगे, तो जल भरेंगे, और इस बीकर को जो ऊपर ले जाएंगे तो जल का लेवल नीचे आएगा, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो जल का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हम मान लेते हैं किसी क्षण जल का जो लेवल होगा वाटर का जो लेवल होगा, मान लेते हैं यहाँ ऊपर तो ये वायु स्तंभ है, एयर कॉलम है, वायु और यहाँ जल है, तो इसमें इसके ऊपर स्वरित्र द्विभुज, एक स्वरित्र द्विभुज होता है, दो भुजाएं होती है उसमें, जो रबर के पैड पर उसको पटक करके इसको ध्वनित कराया जाता है, और ये जो स्वरित्र द्विभुज होता है उसकी आवृत्ति हमें मालूम होता है, ज्ञात होता है, ज्ञात आवृत्ति को हम स्वरित्र द्विभुज लेते हैं, उस पर लिखा रहता है। अब मान लेते हैं यानी इक्वल टू कुछ होगा, जैसे 256 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज, इस तरह से हम मान सकते हैं, दिया रहता है लेंगे। अब इसमें जब स्वरित्र द्विभुज को, ये है स्वरित्र द्विभुज, स्वरित्र जो द्विभुज है उसको बजाकर जब इस अनुनाद नली में खुले सिरे पर रखेंगे तो वायु स्तंभ में, मतलब इस स्वरित्र द्विभुज के प्रभाव से वायु स्तंभ जो एयर कॉलम है उसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन शुरू हो जाएगा। तो कंपन जब शुरू होगा इसमें तरंगे आएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत होगा, और ये खुला जो सिरा है यहाँ तो सदैव एंटी नोट्स बनेंगे, बंद सिरा है तो नोट्स बनेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ जब एंटी नोट्स बनेगा और यहाँ नोट्स बनेगा, तो ये जानते हैं कि एक नोट्स और एक एंटी नोट्स के बीच की जो दूरी है
वह कितना होती है? बताया गया था एक नोट्स और एक एंटी नोट्स के बीच की दूरी लेमडा पॉइंट फोर होता है, और ये मीटर पैमाने पर लंबाई कुछ होगी तो उस लंबाई को हम L1 पढ़ लेंगे। L1 का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। L1 अनुनाद की पहली अवस्था होगी। बात अनुनाद की है तो स्वरित द्विभुज की जो स्वाभाविक आवृत्ति है 256 हर्ट्ज, जब उसको ध्वनित करा करके कंपन उसमें करा करके पाइप के खुले सिरे पर रखेंगे तो वायुस्तंभ में भी वाइब्रेशन होगा, और वायुस्तंभ में जो वाइब्रेशन होगा उसके कंपनों की जो स्वाभाविक आवृत्ति होगी उस स्वरित द्विभुज की आवृत्ति के ठीक बराबर होगी, तो प्ररोधित कंपनों का आयाम अनंत होगा और यही घटना होगी ध्वनि अनुनाद। तो ध्वनि अनुनाद में देख रहे हैं कि स्वरित द्विभुज की स्वाभाविक आवृत्ति वायुस्तंभ की आवृत्ति के ठीक बराबर या उसका पूर्ण गुणज होगा, तो हम कह लेंगे कि अचानक ध्वनि तेज सुनाई देती है। प्रयोग द्वारा भी देखा गया है, पाइप के खुले सिरे पर जब स्वरित्र को बजा कर ले जाएंगे तो एक निश्चित लंबाई पर जब ले जाएंगे जल के लेवल को तो अचानक तेज ध्वनि सुनाई देगी। तो जल के लेवल को वहीं यहाँ एक सिस्टम लगा होता है, वहीं क्लैंप द्वारा कस करके लेवल को पढ़ लेते हैं, तो पढ़ करके हम L1 निकालते हैं, L1 का मान कुछ मालूम हो जाता है। अब इसमें देखेंगे अनुनाद की पहली अवस्था में थोड़ा ध्यान देंगे। अनुनाद की पहली अवस्था में अनुनाद की पहली अवस्था में क्या होगा? तो अनुनाद की पहली अवस्था में ये देख रहे हैं कि L1 जो लंबाई है किसकी, तो वायुस्तंभ की लंबाई L1 है, उसका मान कितना होगा? तो लेमडा अपान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक नोट्स और एक एंटी नोट्स के बीच की दूरी होती है लेमडा अपान फोर। अब क्या करेंगे यहाँ, L1 इक्वल टू तो हो गया ये लेमडा अपान फोर, तो लेमडा का मान हम निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल टू होगा ये 4 L1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे। अब अनुनाद की दूसरी अवस्था में जब देखेंगे तो इस जल के लेवल को पाइप में और नीचे ले जाएंगे, तो पाइप में जल का लेवल तो और नीचे जाएगा, जल का लेवल तो और नीचे जाएगा, लेकिन ये जो देख रहे थे अनुनाद की पहली अवस्था में जल का ये लेवल L1 पर था, तो यहाँ एंटी नोट्स यहाँ नोट्स बना था इस तरह से, और ये था L1। अब अनुनाद की जब दूसरी अवस्था लाएंगे तो उसी पाइप में जल के लेवल को और नीचे ले जाएंगे, तो जल के लेवल को और जब नीचे लाएंगे तो क्या होगा, लंबाई तो वायुस्तंभ की बढ़ जाएगी, लंबाई वायुस्तंभ की बढ़ेगी, इस लंबाई को पैमाने पर L2 जिसका मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ एंटी नोट्स बनेगा और यहाँ नोट्स बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम बता रहे थे कि खुले पाइप के खुले सिरे पर जब स्वरित द्विभुज बजा कर रखेंगे तो एक तरंग आएगी, ये तरंग आएगी पाइप में नीचे की ओर, तो ये तरंग जो आएगी बंद सिरे की भांति व्यवहार करके उसको फिर परावर्तित कर देगा, तो आपतित और परावर्तित तरंग अब विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर देंगी, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होगी जो सदैव स्थिर प्रतीत होती है, मतलब उसको स्टेशनरी वेव कहा गया, स्टेशन का मतलब रुकने, स्टे का मतलब रुकना ही है, सदैव स्थिर प्रतीत होती है, उसे अप्रगामी तरंग कहा गया। अप्रगामी तरंग में नोट्स और एंटी नोट्स अब बनते हैं, तीव्रता अधिकतम न्यूनतम होती है, तो नोट्स और एंटी नोट्स के बीच की दूरी तो हम बताए थे कि लेमडा पॉइंट फोर, लेकिन लंबाई बढ़ रही तो और नोट्स और एंटी नोट्स बनेंगे इसमें, तो ये एंटी नोट्स के बाद बनेगा नोट्स, फिर एंटी नोट्स और फिर ये नोट्स बन जाएगा। जहां नोट्स बनता है वहां न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु होते हैं, और जहां एंटी नोट्स बनता है वहां की तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और देखो कि एंटी नोट्स और नोट्स इसके बीच की जो दूरी होगी लेमडा बाई फोर, ये भी नोट्स और एंटी नोट्स के बीच की दूरी लेमडा बाई फोर, एंटी नोट्स और नोट्स के बीच की दूरी हो गई लेमडा बाई फोर, तो कितना लेमडा बाई फोर, तो 3 लेमडा बाई फोर, L2 का मान हो गया 3 लेमडा अपान ये हो गया 4। अब हमें लेमडा का यदि पता किसी तरह से चल जाए, फ्रीक्वेंसी तो यह देख रहे हैं हमें मालूम है, वायुस्तंभ में जो वाइब्रेशन होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी स्वरित द्विभुज की फ्रीक्वेंसी के ठीक बराबर होगा,
तब प्रणोदित कंपनों का आयाम अनंत होगा और ये घटना होगी ध्वनि अनुनाद की। अब इसमें देखते हैं अनुनाद की दूसरी अवस्था। अनुनाद की दूसरी अवस्था, अनुनाद की दूसरी अवस्था में, तो अनुनाद की जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था में L2 equals to lambda upon 3 lambda upon ए हुआ 4। इसमें देखना है कि मान किसका ज्यादा होगा, तो हम देख रहे हैं L2 ज्यादा L1 क्या है, कम है, क्योंकि ये 3 lambda by 4 है तो ये केवल lambda by 4 है। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर एक हो गया और ये मानते हैं कि ये दो हो गया। इसमें हमें वेव लेंथ तरंग की लंबाई का हमें पता नहीं है, लेमडा का हम नहीं जान रहे, लेकिन L1 L2 तो हम मीटर पैमाने द्वारा अवश्य पढ़ लेंगे, और यन तो स्वरित द्विभुज पर लिखा ही रहेगा, उसको भी हम जान रहे हैं। अब ये बता सकते हैं कि समीकरण नंबर ये दो में से एक को माइनस करें कि एक में से दो को, तो हम देख रहे हैं कि L2 ज्यादा है, समीकरण नंबर दो माइनस एक, समीकरण दो माइनस एक से जब देखेंगे तो ये होगा L2 माइनस L1 जो हमें मालूम है, और इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि लेमडा बाई फोर बाहर यदि हम ले लेते हैं तो लेमडा बाई बाहर लेंगे थ्री माइनस वन होगा, मतलब दो हो जाएगा। L2 माइनस L1 इक्वल्स टू टू लेमडा बाई फोर, टू लेमडा बाई फोर, तो ये दो से ये चार दो बार में कट जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ या वेव लेंथ लेमडा इक्वल्स होगा टू, और इन ब्रैकेट होगा L2 माइनस L1, ये हो गया तरंग की आवृत्ति, तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति नहीं वो तो मालूम है, ये वेवलेंथ हुआ तरंग की लंबाई, एक तरंग की लंबाई को ही वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक आवर्त में तरंग जितनी दूरी तय करती है, अथवा दो क्रमागत नोट्स या दो क्रमागत एंटी नोट्स के बीच की दूरी भी हम कह सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आवृत्ति यन तो ये ध्वनि की जो चाल होगी, अतः यहाँ लिखेंगे अतः कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल, क्योंकि कमरे में ही ये सब किया जा रहा है, तो कमरे का जो रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं ध्वनि की चाल, अतः कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल, ताप पर ध्वनि की चाल होगी, ध्वनि की चाल। तो इसको ध्वनि की चाल में बताया गया था कि v बराबर होता है n लेमडा, तरंग की चाल आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में यही संबंध होता है। तो v इक्वल्स n का मान तो हम जान रहे हैं, रख लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है कि 256 हर्ट्ज आवृत्ति का ही हम स्वरित द्विभुज लेंगे, प्रयोग में उसका मान हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 480 का भी होगा, 256 का, 512 का, जितनी का लेना है ले सकते हैं। स्वरित द्विभुज को बजा कर रखेंगे तो एक निश्चित लंबाई पर अचानक तेज ध्वनि सुनाई देगी। तेज क्यों ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि जब स्वरित द्विभुज की आवृत्ति वायुस्तंभ की आवृत्ति के ठीक बराबर होगी या उसका, तो उसमें ये होगा कि प्रणोदित कंपनों का आयाम अनंत हो जाएगा, घटना अनुनाद की होगी, अचानक तेज ध्वनि सुनाई देगी क्योंकि कंपनों का आयाम बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है। अब तो लेमडा का मान यहाँ से रखेंगे तो इनटू लेमडा है टू इन ब्रैकेट L2 माइनस L1, या V इक्वल्स हुआ V इक्वल्स टू ब्रेकेट में L2 माइनस हुआ L1, ये तरंग की चाल है आवृत्ति के पदों में। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति स्वरित द्विभुज की तो हमें मालूम रहेगा ही, क्या L2 L1 मीटर पैमाने पर नहीं पढ़ लेंगे, नीचे जो जल का लेवल आएगा मीटर पैमाने बताएगा कि कितनी लंबाई पर तेज ध्वनि सुनाई दी। तो L2 और L1 का मान यदि हम मालूम कर ले, N का मान तो दिया ही है, तो हम कमरे के ताप पर इस सूत्र द्वारा ध्वनि की चाल बता लेंगे, कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल ये हो जाएगा। बात आती है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी हम इसके द्वारा ध्वन की चाल देखते हैं, तो देखो ये टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, मतलब कमरे का ताप तो कुछ अवश्य रहेगा ही, तो वी टी इक्वल्स हम बताए थे तुम लोगों को कि वी नॉट चाहे वी जीरो प्लस 0.61 टी होता है, इतना होता है। तो यदि टेम्परेचर का मान हम जान जाए तो टी का मान जानेंगे, तो देखो वी टी का मान तो यहाँ से निकल जाएगा, ये वी टी का मान यहाँ से आ जाएगा, टी टेम्परेचर कमरे का ताप हम थर्मामीटर द्वारा, वॉल थर्मामीटर द्वारा कमरे का ताप माप लेंगे, तो टी का जब मान आ जाएगा वॉल थर्मामीटर से आज का टेम्परेचर मापेंगे तो जितना रहेगा वहां तो रख लेंगे, आज का टेम्परेचर जैसे मान लेते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसको यहाँ लिखेंगे, और वी टी तो इस सूत्र द्वारा वी टी निकाल लेंगे, तो क्या वी नॉट नहीं आ जाएगा, वी जीरो आ जाएगा,
तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल, ध्वन की चाल होगी V0। तो V0 इक्वल टू VT मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रयोग द्वारा ध्वन की चाल का मान पूछना कुछ अवश्य आएगा, और 1.61T को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.61T। तो इस सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल अनुनाद नली द्वारा देखेंगे और एक कमरे के ताप पर L1 L2 मालूम होगा, सब आ जाएगा। अनुनाद की दोनों स्थितियों को हम देख करके और बता लेंगे मीटर पैमाने पर कि आज का जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये ध्वन की चाल क्या है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वन की चाल 332 मीटर पर सेकंड बताया गया था, इसके पीछे वाले लेसन में यहाँ भी आ जाएगा, वैसे आ जाएगा प्रयोग द्वारा भी। तो प्रयोग भी करना है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ कि प्रयोग नहीं हो पा रहा है, ऑपरेटर्स रखा गया है, बताया जाएगा समय के अनुसार। तो ये देखो कि इस अनुनाद नली के द्वारा हम कमरे के ताप पर ध्वन की चाल देख लिए और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी हम ध्वन की चाल देख लिए। एक अंत संशोधन भी इसी में बताना है, अनुनाद नली द्वारा हम कैसे अंत संशोधन निकालेंगे, मतलब कैसे हम जानेंगे कि पाइप के खुले सिरे से कितना ऊपर बनेगा एंटीनोड, क्योंकि अंत संशोधन एंड करेक्शन की परिभाषा में बताए थे कि पाइप के खुले सिरे पर प्रस्पंद न बनकर थोड़ा ऊपर बाहर की ओर बनते हैं, क्योंकि ऊपर वायु के कणों को अधिक स्वतंत्रता होती है वाइब्रेशन करने के लिए, इसलिए एंटीनोड्स जो है पाइप के ठीक खुले सिरे पर नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो पाइप के खुले सिरे से प्रस्पंद की जो दूरी होती है उसी को एंड करेक्शन अंत संशोधन कहा गया। अभी हम अंत संशोधन लगाएंगे, अंत संशोधन लगाकर हम देखेंगे कि पाइप के ठीक खुले सिरे से कितना ऊपर एंटीनोड्स बन रहा है, मतलब अंत संशोधन अनुनाद नली द्वारा अंत संशोधन ये भी है प्रयोग में, और प्रयोग में आता भी है कि अनुनाद नली द्वारा ध्वन की चाल कमरे के ताप पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और इसी में कह देगा कि अंत संशोधन का भी मान निकालिए। अंत संशोधन का मतलब ये पाइप का जो खुला सिरा है इसके ठीक ऊपर थोड़ा बाहर की ओर वाइब्रेशन होगा, क्योंकि ये स्माली जो है एंटीनोड से यहाँ बनेगा, क्योंकि पाइप के ऊपर जो वायु के कण होंगे उनको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, इसलिए थोड़ा ऊपर एंटीनोड्स बनता है, और यहाँ भी थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर सकते हैं ये स्माली। इसी का मान हमें बताना है कि कितना ऊपर बनेगा वो, कहने का मतलब पाइप के खुले सिरे से कितना ऊपर एंटीनोड्स बनेगा वही है अंत संशोधन, जिसका मान हम गणना द्वारा तो दिखाएंगे प्रयोग द्वारा भी दिखाएंगे। प्रयोग द्वारा हम क्या देख रहे हैं, प्रयोग द्वारा तो केवल L2 और L1 का ही तो मान निकाल रहे हैं, अनुनाद की पहली अवस्था में, अनुनाद की दूसरी अवस्था में L1 L2 मीटर पैमाने द्वारा पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद अब देखेंगे इसी में अगली हेडिंग है अनुनाद नली द्वारा अंत संशोधन ज्ञात करना, अनुनाद नली द्वारा अंत संशोधन ज्ञात करना, अनुनाद नली द्वारा अंत संशोधन इंड करेक्शन। तो ध्यान देंगे अनुनाद नली द्वारा अंत्य संशोधन ज्ञात करना, ध्यान देंगे अंत्य संशोधन अनुनाद नली द्वारा अंत्य संशोधन ज्ञात करना, अनुनाद नली द्वारा अंत संशोधन ज्ञात करना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अभी हम अनुनाद की पहली स्थिति में बताए थे कि ये लंबाई जो है ये L1 कितने के बराबर होगी, तो लेमडा पान फोर ये जो दूरी है एंटीनोड्स नोड्स तो कितना होगा ये, तो ये होगा लेमडा पान फोर, और ये जो है 3 लेमडा पान फोर हो जाएगा, लेकिन L1 प्लस अब E करना पड़ेगा, जो ईयर कॉलम है जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है वह L1 प्लस ही होगा, जिसमें कि L1 तो हमें मालूम रहेगा, उसका हमें मान बताना होगा। तो अब बता सकते हैं अनुनाद की पहली अवस्था में, अनुनाद रेजोनेंस, अनुनाद की पहली अवस्था में, तो अनुनाद की जो पहली अवस्था है, अनुनाद की पहली अवस्था में L1 एयर कॉलम की जो लंबाई L1 प्लस E, जिसमें L1 क्या है तो पाइप में वायुस्तंभ की लंबाई, और E है अंत संशोधन एंड करेक्शन,
और ये बराबर कितना हुआ, तो लेमडा अपॉन फोर, ये हुआ समीकरण नंबर हो गया एक। अब इसमें देखना है कि अनुनाद की दूसरी अवस्था, अनुनाद की दूसरी अवस्था, अनुनाद की दूसरी अवस्था, तो अनुनाद की दूसरी अवस्था में लंबाई, अनुनाद की लंबाई तो है L2 और अंत संशोधन है स्माली, बराबरी हुआ 3 लेमडा अपॉन 4, ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब इसमें प्रयोग द्वारा हम बस यही बता पाएंगे L1 L2 का ही मान बता पाएंगे कि L1 कितना है L2 कितना है, ना तो हमें E का मान मालूम है ना लेमडा का। तो एक काम करते हैं लेमडा को हटा दें क्योंकि हमें E का ही पता करना है, तो क्या करना होगा भाग दे दिया जाए। तो समीकरण नंबर एक में दो से भाग देते हैं, समीकरण नंबर एक भागे दो से, तो समीकरण नंबर एक भागे दो करेंगे तो L1 प्लस ई होगा E अपान L2 प्लस ई हो जाएगा और ये बराबर लेमडा बाई फोर से लेमडा बाई फोर कैंसिल, तो क्या बचेगा तो वन बाई थ्री बचेगा। अब हमें तो E का ही मान बताना है तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तीन का इसमें कर लेते हैं और इसका इसमें, तो तीन का जब करेंगे तो ये थ्री एल वन, थ्री एल वन प्लस थ्री ई इक्वल्स टू थ्री, तो ये एक का इसमें करेंगे तो एल टू प्लस ई। अब एल वन एल टू को एक और करना चाहेंगे तो हमें ई का मान मालूम होगा, ई को इधर लाएंगे तो थ्री ई माइनस ई और इक्वल्स हुआ एल टू माइनस थ्री एल वन, तो थ्री में से ई माइनस करेंगे तो ये टू ई होगा, टू ई इक्वल्स हुआ एल टू माइनस थ्री एल वन या अंत संशोधन इंड करेक्शन स्मॉल इक्वल्स टू एल टू माइनस थ्री एल वन अपान ये हुआ टू। अब इसमें देखो फार्मूला सूत्र देखना है, प्रयोग द्वारा जब हम प्रयोग करेंगे अनुनाद की पहली अवस्था तो उसमें L1 आ जाएगा और दूसरा बार जब जल के लेवल को नीचे ले जाएंगे तो अनुनादित लंबाई L2 का भी पता हमें चल जाएगा, और जैसे ही L1 L2 का मान आ जाता है यहाँ रखेंगे तो E का मान आ जाएगा। और L2 L1 पर अभी हम सूत्र ध्वन की चाल में भी बताए हैं तो वो भी आ जाएगा। इस तरह से हम अंत संशोधन अनुनाद नली द्वारा बता लेते हैं, जब L1 L2 मालूम हो सूत्र में रखेंगे तो E का पता चलेगा, मतलब यह पता चलेगा कि आर्गन पाइप के खुले सिरे से, मतलब खुले पाइप के खुले सिरे से कितना ऊपर एंटीनोड्स बनेगा, प्रस्पंद बनेगा, जिसे अंत संशोधन कहा गया कहते हैं। तो इस प्रकार विलेशन जो था अप्रगामी तरंग और वायुस्तंभों में जो कंपन था वो समाप्त हो जाता है, एयर कॉलम में जो वाइब्रेशन बताया स्टेशनरी वेव, लंबा लेसन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक से एक पड़े हुए हैं जिसको सॉल्व करना है लगाना है। यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है पूछेंगे तो हम बताएंगे भी। इसके बाद एक छोटा सा लेसन मिलेगा तनी हुई डोरी में कंपन वाइब्रेशन, तनी हुई डोरी में दिखाएंगे अनुप्रस्थ तरंग की चाल, उसमें पांच नियम बताएंगे, तुम लोगों के बुक में तो तीन नियम दिया होगा लेकिन हम पांच नियम बताएंगे, उसके बाद वो लेसन समाप्त हो जाएगा। हमें यह भी सिद्ध करना है कि तनी हुई डोरी में किस तरह की तरंग चल रही है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है कि स्टेशनरी वेव है कि मैकेनिकल वेव है, क्या है ये दिखाएंगे। और ये भी हम सिद्ध करेंगे तनी हुई डोरी से किस प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, सम विषम दोनों की, केवल सम मतलब उससे संगीत में म्यूजिकल साउंड आता है कैसा आएगा कि नॉइज आएगा, जैसा जानते भी हैं वाद्य यंत्र जो बने हैं सितार गिटार वायलिन बीड़ा सारंगी इत्यादि, ये सब तनी हुई डोरियों के कंपनों पर ही आधारित है। उसमें डोरी जो होती है तना हुआ तार, एक चाहे तनी हुई डोरी होती है उसमें रगड़ रगड़ करके विभिन्न आवृत्तियां उत्पन्न की जाती हैं और विभिन्न आवृत्तियों का जो संयुक्त प्रभाव होता है वो कान को प्रिय लगता है, जिसे हम म्यूजिक या संगीत कहते हैं। तो उस तरह का भी वाइब्रेशन हम दिखाएंगे, अभी तो दिखा रहे थे सिर्फ ईयर कॉलम वायुस्तंभ में कंपन हम दिखा रहे थे, लेकिन इसके बाद वाले लेसन में तनी हुई डोरियों में वाइब्रेशन दिखाकर म्यूजिकल साउंड कैसे आता है बताएंगे। अब इसके बाद तो लेसन चलेगा, लेसन छोटा होगा, उसके बाद एक और छोटा सा लेसन आएगा जो कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव और ध्वनि में डॉपलर प्रभाव बताकर ये कक्षा 11 का सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तब कक्षा 12 का शुरू होगा। तो अब लास्ट में हम फिर कह रहे हैं इसमें का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाना है सभी लोगों को, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 में जाएंगे वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है पहला फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, उसमें भी एक से क्वेश्चन मिलेंगे पूछेंगे, उसमें का भी तो हम बताएंगे।
तो अब कल बताया जाएगा कितना हो गया टाइम इसमें। चलो रहने दो, ठीक है।